बिलासपुर में प्रशासन ने अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत बिलासपुर शहर में नगर परिषद ने सड़क पर अतिक्रमण करने वाले कई दुकानदारों का सामान जब्त किया है तो कईयों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। इस दौरान नगर परिषद अधिकारी हितेश कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि फुटपाथ व सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण करने वाले समय रहते अपने अवैध कब्जे हटा लें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद और जिला प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत चौथी बार शहर का निरीक्षण किया गया है। हर 15 दिन के बाद शहर का निरीक्षण किया जा रहा है कि अतिक्रमण अवैध कब्जा धारकों को दी गई चेतावनी पर उन्होंने अमल किया या नहीं। अगर उन्होंने अमल नहीं किया तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से जो सड़क के किनारे पे की गई अवैध कब्जे और जो वो अपने जगह पर नहीं बैठे हुए ऐसे रेडी धारक, उन पर पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई अमल में ला रही है। इसी श्रृंखला में आज एक और अभियान हमने चलाया, जिसमें कि बस स्टैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो किए गए अवैध कब्जे थे या फिर रेडी धारक जो कि अपनी जगह पर नहीं बैठे थे या सड़क पर आगे बढ़े हुए थे, उन पर नगर परिषद ने कार्रवाई की है। इसमें कुछ व्यक्तियों का सामान जब्त किया गया है, कुछ को अपना सामान पीछे हटाने के निर्देश दिए गए हैं और कुछ को मौके पर ही सामान खड़े होकर के पीछे करवाया गया है। और मैं नगर परिषद बिलासपुर के सभी वासियों को एक बार फिर से अपनी अपील के जरिए संदेश पर पहुंचाना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर सड़क की तरफ विशेष तौर पर अवैध कब्जा धारक हैं, वो आने वाले समय में अपने अवैध कब्जे स्वतः हटा लें, अन्यथा नगर परिषद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बिल्कुल सही है कि नगर परिषद जनरली एक बार कार्रवाई करती है, 2-3 दिन तक लोग सतर्क रहते हैं, उसके बाद फिर से वो कार्रवाई या जो अवैध कब्जे वो शुरू हो जाते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि ये एक अभियान की श्रृंखला है। आज हमारा पिछले लगभग 15 दिनों में ये तीसरा दौरा था। इससे पहले हम एक बार पहले माननीय जिलाधीश महोदय के साथ इस इलाके का हमने निरीक्षण किया था और जिलाधीश महोदय ने सभी दुकानदारों को पीछे हटने के और अवैध कब्जे हटाने के सख्त दिशा निर्देश दिए थे। और उसी श्रृंखला में हमने 3 या 4 दिन पहले नगर परिषद ने पुलिस विभाग के साथ एक अभियान चलाया था, जिसमें कि अवैध कब्जों को हटाया गया और रेडी धारकों पर भी हमने जो अवैध रूप से बैठे थे उन पर भी कार्यवाही की थी। और इसी श्रृंखला में हमने आज और एक और अभियान चलाया है और आने वाले 3 या 4 दिनों में हम फिर से एक और अभियान चलाएंगे। तो ये बात कि 3-4 एक बार कार्यवाही होती है और उसके बाद ये लोग कुछ दिन स्तर रहने के बाद फिर से बढ़ जाते हैं, ये इस बार ऐसा नहीं हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।